टाइपिंग सीखने की इस सीरीज का आज दूसरा दिन है या डे टू है। अगर आपने डे वन का काम अच्छे से कर लिया है तो आपको डे टू का काम करना है। सो डे टू के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हो तो उसे फुल स्क्रीन मोड में कर लेना ताकि आपको सारे केस अच्छे से दिखाई पड़े और मेरी उंगलियों का मूवमेंट भी दोस्तों अच्छे से आपको दिखाई पड़े। ठीक है दोस्तों, डे टू का काम शुरू करें उससे पहले एक बार डे वन को रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी से। ये क्या होती है? होम रो। इसके ऊपर जो लाइन होती है वो क्या होती है? अपर रो। अपर रो के ऊपर देखिए आप सब नंबर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि नंबर्स लिखे हैं तो इसलिए इसे हम नंबर रो कहते हैं। होम रो के जो नीचे वाली लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? बॉटम रो। ये नीचे है तो बॉटम रो या डाउन रो भी दोस्तों इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब आपको डे वन में मैंने क्या बताया था कि ए एस डी एफ इधर से सेमी कॉलन एल के जे। अब आप देख पा रहे हो कि होम रो में जी और एच हमारे बचे हैं अभी, और एक ये जो की है ये हमारी अभी बची हुई है। ठीक है, डे वन में मैंने आपको ये कीस इसलिए नहीं बताया कि फिर आप काफी कंफ्यूजन में आ जाते और आपका डे वन था, आप टाइमिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे तो आपको प्रॉब्लम होती। तो आज मैंने ये जो तीन की जो बची हुई है इनमें उंगलियों की शिफ्टिंग है, तो हम आज शिफ्टिंग के बारे में दोस्तों जानेंगे और कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस करनी है ये जानेंगे। ठीक है, सो आपकी जो पोजीशन है ए एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे पर ही रहेगी, क्योंकि ये हमारी होम पोजीशन है या रेस्टिंग पोजीशन है। आप जब कुछ भी टाइप नहीं कर रहे होते हो तो आपका हाथ इस पोजीशन पे रहता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि जो जी की है, जी इसके सबसे पास में कौन सी उंगली है? ये वाली उंगली है, तो जाहिर सी बात है जी हम इस उंगली से प्रेस करेंगे क्योंकि इसके ठीक पास ये उंगली रखी हुई है। क्लियर है? वैसे ही एच के पास में कौन सी उंगली है? ये वाली उंगली है, तो जाहिर सी बात है कि एच को हम इस उंगली से प्रेस करेंगे। ठीक इसी तरीके से ये जो की आप देख पा रहे हो, देखिए अब इन दोनों कीज में एक सिंबल नीचे बना है एक ऊपर बना है, यहां पर भी एक नीचे बना है एक ऊपर बना है। तो ये बात आप बिल्कुल नोट कर लो कि जो सिंबल दोस्तों नीचे बना होता है वो हमारा बनता है बिना शिफ्ट के, और जो ऊपर जो सिंबल बना होता है वो बनता है शिफ्ट के साथ में। वो कैसे बनेगा, कैसे हम शिफ्ट का यूज करेंगे वो आगे की क्लास है, तो अभी आपको सिर्फ नीचे वाले सिंबल से दोस्तों मतलब है। ठीक है, वो अलग बात हो गई। अब इस वाली की से बनता क्या है? इस वाली की से बनता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। देखिए यहाँ पे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बना हुआ है और इसके ठीक ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा बना हुआ है जो कि शिफ्ट के साथ में बनता है। वो आगे की क्लास की बात है, वो आगे बताऊंगा। इससे अभी आप ये समझो, इससे बनता है सेमी कॉलन, इससे बनता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब देखते हैं ए एस डी एफ जी एफ स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन एल के जे एच जे स्पेस। ये काम है आपका डे टू का या सेकेंड डे का आपका ये काम है। एक बार हम फिर देख लेते हैं ए एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे, और ये अंगूठा स्पेस बार पे ए एस डी एफ जी वापस आ गए एफ स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन एल के जे एच और वापस आ गए जे स्पेस। अब थोड़ा सा स्पीड में देखते हैं ए एस डी एफ जी एफ स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन एल के जे एच जे ए एस डी एफ जी एफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन एल के जे एच जे। ठीक है, इस तरह से आपको करना है डे टू में। कितना करना है दोस्तों? कम से कम 3 से 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है ये एक्सरसाइज, ताकि आपकी जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट दोस्तों टाइपिंग में बहुत बड़ा रोल रखता है। अगर आप ये शिफ्टिंग समझ गए तो होता क्या है दोस्तों, जैसे आपने ये वाली उंगली जी पे मूव करी वापस चले आए। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके हर अंग में दोस्तों क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियों के पास भी अपनी एक याददाश्त होती है, एक मेमोरी होती है। तो आप जब बार बार इतनी ही दूरी पर ले जाओगे तो क्या होगा कि आपके इस उंगली की मसल्स में ये सेव हो जाएगा कि इतनी दूरी पर मूव करने पर जी बनता है। ठीक है, तो ये आपकी मसल मेमोरी दोस्तों धीरे धीरे बिल्ड होती है, टाइम लगता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन, और फिर आपकी आप कीबोर्ड की तरफ दोस्तों बिना देखे जी पर ले जाओगे, जी प्रेस करोगे वापस चले आओगे, एस पर ले जाओगे प्रेस करोगे वापस चले आओगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पर ले जाओगे प्रेस करोगे वापस चले आओगे बिना कीबोर्ड को देखे। और डे वन का काम हो या डे टू का दोस्तों काम हो, आपको कीबोर्ड की तरफ देखना नहीं है।
ठीक है। कीबोर्ड की तरफ आपको एक दो बार आप भले ही स्टार्टिंग में देख लो कि यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है, लेकिन आगे आपको कीबोर्ड की तरफ दोस्तों नहीं देखना है। इतनी बात क्लियर है? सो अब डे टू में आपको करना क्या है, आप एमएस वर्ड पे जाएंगे, ये पोजिशनिंग दोस्तों कर लेंगे, ठीक है, टाइप करेंगे और फॉन्ट साइज दोस्तों मैं आपको बता दूं काफी लोग करते क्या है कि काफी सारे पेज भरने के चक्कर में वो लोग फॉन्ट साइज को 20 के ऊपर निकाल देते हैं। फॉन्ट साइज आपको कितना रखना है, 14 फॉन्ट साइज कर लेना है, उसके बाद आपको ये सब टाइप करना है, ठीक है। एक बार हम दोस्तों आज का जो हमारा लेसन है फिर से एक बार देख लेते हैं। ए एस डी एफ सेमीकॉलन एल के जे और ये स्पेस पे थंब हमारा रहेगा, ये हमारी रेस्टिंग पोजिशन है या होम पोजिशन है। जी के पास वाली उंगली कौन सी है, ये, तो जी प्रेस करेंगे इस उंगली से। एच के पास वाली उंगली कौन सी है, ये, तो एच प्रेस करेंगे इस उंगली से। अब ये जो सिंगल इनवर्टेड कॉमा जो नीचे बना हुआ है, इसके पास में कौन सी उंगली है, ये वाली, तो जाहिर सी बात है इससे प्रेस करेंगे। लेकिन अब ये नहीं कि आपने वहीं पे उंगली रख ली, प्रेस करके वापस चले आना है, ठीक है। ए एस डी एफ जी एफ स्पेस सिंगल इनवर्टेड कॉमा सेमीकोलन एल के जे एच जे, ए एस डी एफ जी एफ स्पेस सिंगल इनवर्टेड कॉमा सेमीकोलन एल के जे एच जे। तो ये आप करना है कम से कम 3 से 4 घंटे, आप अगर लगातार नहीं कर पाते हो तो आप हर आधे घंटे बाद 10 मिनट्स का दोस्तों ब्रेक आप ले सकते हो, और उस 10 मिनट्स के ब्रेक में आप चाहो तो टहल लो या आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, ठीक है। लेकिन टाइपिंग करते वक्त आपको म्यूजिक नहीं सुनना है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हो। थैंक यू।